नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का शीर्षक है कि क्या आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं है। कई बार जीवन में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि बहुत हाथ पैर मारने पर भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारे पास धन रहता ही नहीं, किसी भी प्रकार से धन रहता ही नहीं। फिर नेचुरल सी बात है कि हमें एस्ट्रोलॉजी की भी याद आती है कि क्यों ना अपनी कुंडली चेक करवाई जाए, तो जिससे पता चले या कोई सोल्यूशन भी मिले, पता चले कि धन का योग है या नहीं है। है तो रुका हुआ क्यों है, नहीं है तो उसका कैसे ठीक किया जा सकता है। कुंडली में जो तन का भाव है वो नंबर एक है और धन का भाव नंबर टू है। 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर जो खाने बने होते हैं, D1 चार्ट जिसको बोलते हैं, डायमंड चार्ट बोलते हैं, लगन चार्ट भी बोलते हैं। 12 उसके अंदर खाने बने होते हैं, अलग अलग खानों में अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। पहला खाना मैंने बताया, भाव उसको बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, खाना भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इनमें से हर भाव का, जिस भाव के अंदर जो राशि होगी और उस भाव का जो स्वामी होगा वो उस भाव का स्वामी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले भाव में मंगल राशि है, ठीक है, सॉरी, पहले भाव में मेष राशि है तो उसका स्वामी मंगल हुआ। पहले भाव में मेष आएगी तो दूसरे भाव में अपने आप ही वृष हो जाएगी, वृष का जो स्वामी शुक्र हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग भाव के अलग अलग स्वामी होते हैं। अब जैसे पहला भाव मैंने बताया, अगर मंगल हो, सपोज किया पहला भाव मंगल हो, दूसरा वृष हो, तो ज़रूरी नहीं कि जो सॉरी मैं ग्रहों का नाम ले रहा हूँ, पहला भाव जो मेष हो, दूसरा भाव जो वृष हो, ये ज़रूरी नहीं कि पहले भाव का स्वामी मंगल उसमें मेष में ही होगा या दूसरे भाव का स्वामी शुक्र जो है वृष में भी होगा। स्वामी कहीं पर भी हो सकते हैं, राशि भी भावों में बदलती रहती है और स्वामी भी कहीं पे भी हो सकते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है और हर भाव पे अलग अलग ग्रहों की दृष्टि भी होती है। किसी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है, किसी की पंचम सप्तम नवम होती है और किसी की चौथी सातवीं आठवीं, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दृष्टि होती है। शनि शनि की अपनी दृष्टियाँ हैं तो उनकी दृष्टियाँ भी पड़ती हैं, वो भी इफेक्ट डालती हैं। अब जो दूसरा भाव है उसके बाद आता है तीसरा भाव। तीसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव में कोई भी राशि हो सकती, जरूरी नहीं कि एक सिलसिलेवार जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले भाव में मेष, दूसरे में वृष, तीसरे में मिथुन, कोई भी हो सकती है। तीसरे भाव का स्वामी अगर अशुभ ग्रह हो, और वो अशुभ ग्रह भी जो होगा ना वो भी आपके लगन के हिसाब से डिसाइड होते हैं। अब तीसरे घर का स्वामी अगर अशुभ ग्रह है और वो दूसरे घर में चला जाता है, धन वाले घर में चला जाता है, तो फिर आपके धन वाला जो काम है वो खराब हो जाएगा, धन नहीं आएगा, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं आएगा। अब ये देखना होगा कि तीसरे घर का स्वामी कौन सा है। और मान लो बृहस्पति है तो फिर हमें गुरु को सही करना पड़ेगा। बृहस्पति मतलब गुरु, गुरु है तो गुरु को सही करना पड़ेगा। शनि है तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। अब रेमेडी क्या है कि दो तरीके की रेमेडी है। हम जो हमारे चैनल पे योगा माई लाइफ पे जिन रेमेडीज की बात करते हैं वो सारी की सारी ध्यान साधना, तत्व साधना, चक्र साधना से संबंधित है और डिपेंड करता है। कई एस्ट्रोलॉजर हैं वो रेमेडीज जो हमारे रिचुअल्स हैं, अलग प्रकार की कर्मकांड जैसी जो रेमेडीज देते हैं, लेकिन हम हमारी रेमेडीज जो होती हैं वो यज्ञ से संबंधित होंगी, पाठ पूजा होगी, लेकिन मंत्र साधना की होगी। अब मान लीजिए कि बुध जो है वो दूसरे भाव में चला गया, धन के भाव में, और बुध पीड़ित है, अब तो हमें बुध की रेमेडी करनी पड़ेगी। बुध संबंधित है पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी तत्व संबंधित है मूलाधार चक्र से, तो हमें मूलाधार चक्र पे काम करेंगे। मूलाधार चक्र मूलभूत सुविधाओं यानी कि धन से भी संबंधित है। एक एग्जाम्पल दिया है, कोई और पीड़ित ग्रह भी हो सकता है, उसका इफेक्ट भी आ सकता है। तो इस तरीके से पता लगा के हम कुंडली का एनालिसिस करके, साइंटिफिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से,
और उसको ध्यान साधना से जोड़ के जब काम करते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और बड़ी जल्दी समस्या जो है दूर होने लगती है। इस तरीके से हम कुंडली एनालिसिस से और जो दूसरा भाव है उसके अंदर ग्रहों की स्थिति को देखकर, राशि की स्थिति को देखकर कुछ हद तक अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पूर्णतया तो कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक हो सकती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।